और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, फिर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत को बुरा भला कहने की आदत डाली है, वो कहीं न कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा से मतभेद रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए विदेशी मंच पर जाकर अपने ही देश को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। फिर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे हैं, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सरकार के सामने अपने सुझाव अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, लेकिन विदेश जाकर इस तरह भारत को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो LOP भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं सोचत नहीं।